सो वेलकम टू द यूट्यूब चैनल गाइस। सो आज है दिन 27th ऑफ मई और हम निकल रहे हैं अपनी अगली राइड को, जो कि होने वाली है उत्तराखंड की। और आप देख सकते हो पीछे अमित और हमारी बाइक रेडी है। और बेसिकली अगर आप बोलो तो हमें ऑलरेडी हम हाईवे पे हैं, जो कि लखनऊ जाता है, अयोध्या होते हुए लखनऊ जाता है। बट हम कैसे अप्रोच करने वाले हैं उत्तराखंड को, किस रूट से जाने वाले हैं, वो डिटेल दूंगा आपको मोटो व्लॉग पे। तो मिलते हैं बाइक पे। तो अभी हम जा रहे हैं उत्तराखंड को और बेसिकली हम जाएंगे लखनऊ। हमारा जो रूट होने वाला है वो है यहाँ से, हम सीधे हाईवे पर के जाने वाले लखनऊ। तो जिस तरह का मौसम है यहाँ पे, अभी हम गोरखपुर में ही है और ऐसा लग रहा है कि हम ऑलरेडी उत्तराखंड पहुंच गए। इतनी फॉग है और ये मई का महीना है, मई का मतलब अभी के टाइम पे तो क्या ही यार, गर्मी रहती है एकदम धूपी सी, बट अलग ही वेदर हुआ है। तो अभी हम लगभग 50 किलोमीटर आगे आ गए हैं और अभी धूप भी निकल गई है। पीछे मौसम काफी फॉगी था बट अभी धूप निकल गई है, तो होपफुली अब धूप रहेगी और बारिश नहीं होगी। तो हमने लखनऊ वाला हाईवे नहीं लिया है, रादर देन हमने क्या किया है कि बस्ती से जस्ट पहले, मान लो आप 3 किलोमीटर पहले, बस्ती हाईवे जो बोर्ड लगा बस्ती का, वहाँ 3 किलोमीटर पहले लेफ्ट साइड का रास्ता कटता है और वहां से हम जाने वाले हैं डुमरियागंज, जो भी 23 किलोमीटर है। उसके बाद नानपारा, बलरामपुर, बहराइच एंड देन हम सीतापुर को भी बाईपास कर देंगे और हम डायरेक्ट निकलेंगे गोला गोकर्ण। तो ये रास्ता क्यों लिया है कि मौसम तो वैसे अच्छा है, अब चाहे हाईवे जाओ चाहे कहीं जाओ, लेकिन इस रास्ते पे अगर आप देख पा रहे होगे ये रास्ता पूरा मेरे ख्याल से ऐसा ही होने वाला है। इवन नानपारा के पास थोड़ा जंगल भी रहेगा, तो उन सब जगहों पे बाइक चलाने का मजा होता है। अब हाईवे ऐसे जाते जाओ एक्सीलेटर दबाए रहो, उसमें वो मोनोटोनस हो जाता है और बोरिंग भी लगने लगता है एक टाइम के बाद। तो अभी हमें उतरौला में और ये आता है बलरामपुर डिस्ट्रिक्ट में। तो आगे पड़ेगा बलरामपुर, देन श्रावस्ती और श्रावस्ती में है अंगुली माल की गुफा। हम सब लोगों ने पढ़ा हुआ अंगुली माल डाकू के बारे में, जो कि लेटर बहुत धन में कन्वर्ट हो गया था। तो होपफुली हम अंगुली माल गुफा या फिर अंगुली माल स्तूपा में भी जाएंगे। सो अभी हम आ गए श्रावस्ती में और सामने आप देख सकते हो संभवनाथ दिगंबर जैन तीर्थ क्षेत्र। सो एंटर करते ही बहुत सारे बौद्ध मंदिर बोले या जो भी बोलते हैं स्तूपा या बौद्ध मंदिर, बहुत सारे बौद्ध मंदिर भी दिखा और जैन मंदिर भी बहुत सारे दिख रहे हैं। और अब अभी हम हैं श्रावस्ती में और अभी हम आए अंगुली माल स्तूपा पे, जो कि ये फिलहाल समझ में भी नहीं आ रहा है क्या दिखाऊं क्या ना दिखाऊं। ये जो सामने है वो अंगुली माल की गुफा, वो गुफा टाइप का ही बना है बट ये अलाउड नहीं है अंदर जाना, बंद है अभी तो अलाउड नहीं है। तो अंगुली माल, अगर सबने बचपन में पढ़ा होगा अंगुली माल एक डाकू था बहुत पुराने टाइम में और इसी श्रावस्ती जगह थी जहाँ पे वो लोगों को लूटता था और मारता था, उन लोगों की उंगलियाँ काट के उनका माला पहनता था। दैट्स व्हाई उसका नाम पड़ा अंगुली माल, कि उंगलियों की माला पहनता था गले में वो। देन कुछ टाइम बाद वो महात्मा बुद्ध से मिला किसी रीज़न से, तो उन्होंने उसका मोक्ष की प्राप्ति करवा दी और फिर वो कन्वर्ट हो गया बुद्ध में। देन अपने आखिरी टाइम तक वो बुद्ध ही रहा और शांति से फिर जीवन जीने लगा और उसी के में ये अंगुली माल स्तूपा है। तो अभी हम निकल रहे हैं श्रावस्ती से बाहर और श्रावस्ती में एक चीज तो है, यहाँ पे ये रहा विपस्सना मेडिटेशन सेंटर, बौद्ध मंदिर है बहुत सारे, जैन लोग के मंदिर है और बहुत सारे कोरियन टूरिस्ट भी दिखे। तो बौद्ध धर्म का रिलेटेड मंदिर बहुत सारे। तो अभी रुके थे एक छोटे से ब्रेक के लिए और ये जो रूट देख रहे हो आप पीछे, सो बेसिकली हमने लखनऊ वाला रूट ना लेके थोड़ा आउटसाइड रूट लिया है, जो कि बेसिकली मैं आपको रूट के बारे में इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ, क्योंकि जनरली लोग लखनऊ हाईवे होके फिर सीतापुर होते हुए जाते हैं पीलीभीत को। बट ये वाला रूट जिधर से हम जा रहे हैं अभी तक तो बहुत अच्छा रूट है। और हम कहाँ तक पहुँच गए हैं, बहराइच तक पहुँच गए हैं अभी, तो ये रूट बहुत ही अच्छा है, रोड वाइज तो बहुत अच्छा है। उसके अलावा खाने पीने का थोड़ा प्रॉब्लम है, बहुत बड़े बड़े रेस्टोरेंट नहीं है, ढाबा टाइप का, बट हमने नाश्ता किया तो वो नाश्ता बहुत अच्छा मिला था।
हमें, और जो ग्रीनरी इधर पूरी ग्रीनरी है अगर आप देखोगे, इवन इधर मेरे पीछे भी आप देखो पूरे पेड़ है, मतलब पूरे रास्ते पे भरी ग्रीनरी है, छोटे छोटे गांव है, बट रास्ता इतना अच्छा है कि आपको स्पीड करने में भी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। हाँ? अरे यार नहीं भैया, तुम यार ऐसा मत करो। क्या नाम है तुम्हारा? मानवेंद्र प्रताप। मानवेंद्र प्रताप, चलो यार अच्छा लगा तुमसे मिलके, और थैंक यू। हाँ कभी आइएगा तो फोन कीजिएगा, आप घर पे आइए। एकदम एकदम। तो अभी ये लड़का जो बेसिकली पीछे आपने देखा, पहले मिला था हमसे लगभग 5-6 किलोमीटर पहले, हमारा नंबर लिया और फिर मैसेज किया कि भैया आगे आप लोग के लिए पार्टी है। हमने सोचा भाई कौन है क्या है, तो उस बंदे ने भी हम लोग को रोका, मानवेंद्र प्रताप उसका नाम था, और बेसिकली उसने हमारे लिए लीची खरीदा और हमें लीची दिया खाने के लिए, और बोला कि आप कभी भी आओ मेरे वहाँ आओ। मतलब यार ये अलग ही है यार, ना वो मेरे को आज से पहले जानता था ना हम लोग जानते थे उसको, लेकिन ये जो प्यार है ना, मतलब कि अनजाने को भी ऐसे देखो लीची खरीद के दे, मतलब लीची देना बड़ी बात नहीं है, लेकिन किसी अनजान की कोई हेल्प नहीं करता, कुछ नहीं करता, लेकिन यहाँ देखो। तो थैंक यू मानवेंद्र, होपफुली वी विल मीट अगेन। सो अगर आप देख पा रहे हो ये छोटे छोटे बच्चे, नंगे नंगे बच्चे यहाँ नहा रहे हैं। मैं 100 किलोमीटर पीछे और पीलीभीत से 250 किलोमीटर पहले। तो अभी हमने एक ब्रेक लिया छोटा सा, और अभी भी हम यूपी में ही हैं, लखीमपुर से 50 किलोमीटर पहले, और वो जो सामने अगर आप देख पा रहे होगे वो है हाईवे, और हम आए अंदर की ओर, और अंदर के नज़ारे देखो, और ये यूपी है, बिल्कुल ही खूबसूरत, और ये बड़े बड़े पेड़, बिल्कुल ग्रीनरी, और बिल्कुल ऐसा अगस्त जुलाई अगस्त में होता है बारिश के टाइम पे, बट अभी हो गया है और अलग ही वाइब है, बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसा कुछ भी देखने को मिलेगा। आओ एक शॉट दे दो। सो अभी हम फिर से एंटर करने वाले जंगल में, और जंगल के शुरुआत में ही ये हिरन मरा पड़ा है, बहुत गंदी बदबू है, ये हिरन मरा पड़ा है। ये देखो टाइगर की कितनी प्यारी फोटो है, अगर आप लोग देख पा रहे हो ये टाइगर की प्यारी सी फोटो लगी है, और इस पे लिखा है गति सीमा 25 किलोमीटर पर आवर। मतलब टाइगर आप दिखाते हो फिर कहते हो गति सीमा 25 रखो, ऐसा कैसे होगा। सो ये जो जंगल है ये भी फुल ऑफ, ये बेसिकली बफर जोन है टाइगर्स का, और ये भी मेरे ख्याल से दुधवा के अंडर ही आता रहेगा, और ये देख रहा हूँ कितनी बहुत बहुत डेंस जंगल है। तो फाइनली हम लोग पीलीभीत पहुंच गए, शाम का 7 बज गया था पहुंचने में, और होटल ढूंढने में एक्चुअली टाइम लग गया क्योंकि यहाँ पे होटल की थोड़ी प्रॉब्लम है, बट अगर आपको अगर यहाँ पे हाँ आते हो तो आपको आना है छतरी चौराहे पे और आपको होटल मिल जाएंगे अफोर्डेबल रेट में। सो ये हमारा रूम है जो आप पीछे देख रहे हो। सो अब कल निकलेंगे, कल हम वैसे निकलेंगे उत्तराखंड की ओर। सो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए पीस आउट एंड डू सब्सक्राइब लाइक एंड कमेंट इन द वीडियो। गुड बाय।